बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सपोनेंट आपको वेरिएबल की फॉर्म में गिवन होगा उस वेरिएबल की आपको क्या निकालनी है वैल्यू तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नाइन पार्ट नंबर फास्ट क्या दिया हुआ है ए रे दावर सेवन प्लस टू एन इन टू ए स्क्वा रेशू दावर थ्री एन प्लस टू एंड इट इज डिड बाई ए रेशर फोर रेश पावर ओके बेसिकली ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे क्या है ए रेशू दी पावर सेवन प्लस टू एन इन टू पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी ए रेसू पावर टू इन टू थ्री एन प्लस टू ऐसे ही लिखूंगी क्योंकि दो आपकी पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लीनियर पोलिनोम की फॉर्म में है आपके पास तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा के करोगे इन सेम वे इन डिनोमिनेटर फोर इंटू टू एन प्लस थ्री सोल्व करेंगे इसको ए रे दी पावर सेवन प्लस टू एन इन टू इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी कितना बना टू थ्री जार सिक्स सिक्स एन बीच में क्या साइन है प्लस तो प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो टू टू जार फोर इन सेम वे डिनोमिनेटर की अगर बात करूँ फोर टू जार एट एट एन प्लस फोर थ्री जर ट्वेल्व ठीक है बेस आर सेम और इन मल्टीप्लाई सो पावर विल बी एड तो पावर क्या हो जाएंगी एड सेवेन प्लस टू एन प्लस सिक्स एन प्लस फोर एंड इट इज डिवाइडेड बाय ए रे पावर एट एन प्लस ट्वेल्व सो पावर को जब मैं प्लस करूँगी तो टू एन प्लस सिक्स इन एट एन प्लस यहाँ से सेवन प्लस फोर क्या बना यहाँ से इलेवन ओके बाय में ए रेशु दी पावर ए ट प्लस ट्वेल्व बेस सेम है डिवीजन में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी सप्रेक्ट सो ए रेशु दी पावर ए ट प्लस इलेवन माइनस एट एन प्लस ट्वेल्व पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली ओके इस सप्रेक्शन के साइन की वजह से क्या होगा दोनों पॉजिटिव हैं क्या हो जाएंगे नेगेटिव ए रेशुदी पावर ए ट एन प्लस इलेवन माइनस एट एन माइनस ट्वेल्व ए एन में से ए एन गया ओके इलेवन माइनस ट्वेल्व इट मीन माइनस वन सो आंसर विल बी ए रेस टू दावर माइनस वन तो नेगेटिव एक्सपोनेंट में कभी भी आंसर नहीं छोड़ेंगे क्या करूंगी इसको क्या बना दूंगी पॉजिटिव कैसे न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में ले जाके ओके सो आंसर विल बी वन बाई ए क्योंकि इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है हमें वैल्यू नहीं निकालनी है तो जितना हो सके हम उसको सोल्व कर दिया हमने इससे ज्यादा हम इसको सोल्व नहीं कर सकते ये आपका आंसर होगा ओके okay? अब आते हैं बिना टाइम वेस्ट के आपके पार्ट नंबर सेकंड पे पार्ट नंबर सेकंड भी आपका ऑलमोस्ट से क्या कह रहे हैं देखो थ्री रेशु पावर माइनस फाइव टेन रेशो दी पावर माइनस फाइव वन ट्वेंटी फाइव बाय फाइव रेशो दी पावर माइनस सेवन सिक्स रेशो दी पावर माइनस फाइव सबसे पहले मैंने क्या किया जो सेम पावर वाले हैं उनको एक साथ लिख लिया और इसके बारे में क्लियर इसके साथ मल्टीप्लाई में 125 125 को क्या लिख सकते हो फाइव रेस टू दी पावर थ्री यहां से क्या बच्चा आप फाइव रेज टू दावर माइनस सेवन राइट बीस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर सेम है थ्री टेन जार थर्टी और बाय में क्या है सिक्स और सबकी पावर क्या है माइनस फाइव रख दिए एक जगह पे बेस सेम है डिवाइड में है पावर क्या हो जाएंगी सबरेक्ट तो फाइव रेस टू दी पावर थ्री माइनस माइनस सेवन ठीक है सिक्स फाइव थर्टी क्या बचा फाइव रेस टू दावर माइनस फाइव इन टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सेवन प्लस थ्री टेन रेसू पावर टेन बेस आर सेम और इन मल्टीप्लाई सो पावर विल बी एडेड सो पावर माइनस फाइव प्लस टेन तो कितना बनेगा पावर फाइव अगर इसको तो so, क्या बना एंड 25, 25 125, 125 625, 625 जो कि आपका क्या है आंसर ओके okay, बच्चे तो so, बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ टू सिक रूल्स इन अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन जिसमें आपको बहुत सारे रूल्स देखने ओके okay? तो बस आपको रूल्स याद होने चाहिए आप आराम से सोल्व कर लोगों नेक्स्ट आपके पास से क्वेश्चन नंबर टेन वी है वैल्यू ऑफ एन आपने क्या करनी है एन की वैल्यू निकालनी है देखो ध्यान से क्या करोगे माइनस थ्री बाई इलेवन रेस टू दावर एन प्लस फाइव इट इज डिवाइडेड बाय माइनस थ्री बाई इलेवन रेशू दी पावर माइनस टू इन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई इलेवन रेशू दी पावर टू इन प्लस फाइव इन टू माइनस थ्री बाई इलेवन माइनस टू रेशु पावर एन प्लस फोर ध्यान से देखना बच्चे दोनों साइड्स को सोल्व करते चलना है बीच में इक्वल टू का साइन है इक्वल टू का साइन क्या कहते हैं जो चीज़ यहाँ है एज इट इज वहाँ पे है बेस तो ऑलमोस्ट आपके पास सेम है अगर बेस सेम है इक्वल टू का साइन बीच में तो पावर्स भी क्या होंगी सेम तो ध्यान से देखना बच्चे ये और ये दोनों सेम है बीच में किसका साइन है डिवीजन का तो पावर्स क्या हो जाएंगी सपरेक्ट कर दो सपरेक्ट एन प्लस फाइव माइनस माइनस टू एन प्लस थ्री ओके मल्टीप्लाई में है पावर्स क्या हो जाएंगी एड तो क्या बना माइनस थ्री बाई इलेवन रेज टू दावर टू एन प्लस फाइव प्लस अब ध्यान से देखना पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस टू को एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई करना क्या बना माइनस टू एक्स तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के टू एक्स क्योंकि प्लस से प्लस से साइन चेंज नहीं होंगे एज इट इज रहेंगे प्लस माइनस माइनस टू फोर एट तो माइनस एट ओके अब इनको सॉल्व करेंगे माइनस थ्री बाई इलेवन रेशू दावर एन प्लस फाइव माइनस माइनस प्लस एन माइनस प्लस माइनस ठीक है तो यहां से बना माइनस थ्री बाई इलेवन टू एन प्लस फाइव माइनस टू एन दिस एन ओके टू एन माइनस एट देखो ध्यान से एन प्लस टू एन कितना बना थ्री एन प्लस फाइव माइनस थ्री तो प्लस टू इन सेम वे टू एन माइनस टू एन जीरो बन गया ओके okay? यहां से देखो प्लस फाइव माइनस एट अगर मैं यहां से बात करूं प्लस फाइव एन माइनस एट बेटा ये माइनस फाइव है ये आपका क्या है माइनस फाइव ओके सो माइनस फाइव एन माइनस एट क्या बना यहां से माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन बीस सेम है इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगी जब बेस इक्वल है और बीच में इक्वल टू का साइन है तो पावर्स भी क्या होंगे इक्वल सो थ्री एन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थर्टीन माइनस ये प्लस है वहाँ जाके माइनस थ्री एन इज इक्वल टू माइनस थर्टीन माइनस टू कितना बन गया बच्चे माइनस फिफ्टीन थ्री एन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन ये मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा डिवाइड में तो so, क्या बना एन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन बाई थ्री थ्री फाइव आर फिफ्टीन तो आंसर विल बी माइनस फाइव आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन ओके तो इस टाइप की कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके मैक्सिमम मार्क्स में पूछे जाती हैं यहाँ पे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान से करना बेचा बच्चे ये ऑलमोस्ट कोई भी टेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ ऑलमोस्ट थ्री मार्क्स में पूछे जाते हैं ओके okay? अब आते हैं इसी के सेकिन क्वेश्चन पर इसी टाइप का क्वेश्चन है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने सिर्फ वही बेसिक रूल्स आपने क्या करने हैं फॉलो करने हैं ओके पार्ट नंबर सेकेंड एक्स रेशो द पावर टू इन माइनस वन माइनस थ्री इन टू एक्स स्क्वायर रेशियो द पावर एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाय एक्स रेशो द पावर फोर रेश पावर माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स थ्री थ्री डिवाइडेड बाय एक्स सिक्स माइनस थ्री आप ध्यान से देखो आप ध्यान से देखो एक्स रेसू पावर टू एन माइनस थ्री पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी कैसे टू की मल्टीप्लाई एन प्लस वन से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी जब एन से करूंगी तो क्या बना टू एन प्लस टू से करूंगी तो टू पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई फोर थ्री जार ट्वेल्व और माइनस है तो माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सेम पावर की पावर मल्टीप्लाई थ्री थ्री नाइन ठीक है इज डिवाइडेड बाय सिक्स थ्री जर एटीन तो एक्स रेज टू दावर माइनस एटीन ओके बे सेम है मल्टीप्लाई में है पावर क्या हो जाएगी एड एक्स रेज टू दावर टू एन माइनस थ्री प्लस टू एन प्लस टू बाई एक्स रेज टू दावर माइनस टू बे सेम डिवाइड में है पावर क्या हो जाएगी सपरेक्ट माइनस माइनस एटीन तो ये बना टू एन प्लस टू एन फोर एन 3 2, 1. और बाय में एक्स की पावर माइनस ट्वेल्व बाय में है तो पावर क्या हो जाएंगी सप्रेक्ट सप्रैक्ट करूंगी माइनस ट्वेल्व राइट इज इक्वल टू एक्स दी पावर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एटीन प्लस नाइन एटीन में अगर नाइन को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा ट्वेंटी सेवन okay? ओके तो यहां से देखो x रेस टू दी पावर फोर इन माइनस माइनस प्लस और ट्वेल्व में से इलेवन गया इलेवन प्लस के इलेवन इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर ट्वेंटी सेवन सेम है इक्वल टू का साइन है तो पावर भी क्या होंगी इक्वल होंगी फोर इन प्लस इलेवन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन क्लियर ये प्लस है वहाँ जाएगा माइनस फोर इन इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस इलेवन सेवेन माइनस वन सिक्स टू माइनस वन वन तो क्या आया यहाँ से फोर एन इज इक्वल टू सिक्सटीन एन इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई फोर फोर फोरस आर सिक्सटीन सो एन इज इक्वल टू फोर इज योर आंसर आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट देन बी सेफ बी बी सेफ इन दिस इन्वायरमेंट ओके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना स्टिल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच